हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.6 का जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऋतु कैन ड्रॉ डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. ओके, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऋतु की स्पीड फाइंड करते हैं. लेट द ऋतु स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आवर. एक्स किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड द स्पीड ऑफ द करंट, द स्पीड ऑफ द करंट बाय वाई किलोमीटर पर आवर. वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, चलिए अब हर नेट स्पीड गोइंग डाउनस्ट्रीम, यानी पीछे से उसको धक्का लग रहा है, पुश कर रहा है जो करंट है, ठीक है, और उसकी स्पीड भी है, तो दोनों की स्पीड मिलकर बढ़ जाती है. कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ओके, एंड हर नेट स्पीड गोइंग अपस्ट्रीम x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. अभी देखिए इसका जो फॉर्मूला कौन सा होता है, टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, तो चलिए अब फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो हमें दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर डाउन स्पीड में जाता है और उसका आवर्स कितना होता है, 2 आवर्स. तो देखिए टाइम 2 आवर, डिस्टेंस हो गया हमारा 20 और डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस वाई. ओके, x प्लस वाई को अप साइड में ले लीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20/2. ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1. ओके, चलिए अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कंडीशन. ये हमारी सेकंड कंडीशन है. सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, अपस्ट्रीम में 4 किलोमीटर है, टाइम लगेगा 2, ठीक है, तो 2 आवर्स में 4 किलोमीटर एक्स माइनस वाई. सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4/2. सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. इक्वेशन नंबर कितना हो गया बेटा, 2 हो गया. ओके, अब क्या करेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड 2. इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बेटा. तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, देन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. वाई से वाई कट हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 12. सो x इज इक्वल्स टू 12/2, कितना हो गया, 6 हो गया. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू पुट करो तो 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6, तो y की वैल्यू कितना हो गया बेटा, 4 हो गया. सो स्पीड इन स्टिल वाटर, ऋतु की जो स्पीड है स्टिल वाटर में कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर. ओके, और स्पीड ऑफ करंट, कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर
आवर। ओके फ्रेंड्स देखिए सेकंड, टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, वाइल थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड अल्सो दैट टेकन बाय वन मैन अलोन। ओके तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले हमें जो पूछा गया उसको हम फाइंड करते हैं। अ वुमेन अलोन फिनिश द वर्क, यानी एक लेडीज़ है, एक वुमन है, वो एक दिन में कितना काम कर, यानी एक काम करने में कितना डेज लगेगी, एक्स डेज, जबकि वन मैन एक वर्क फिनिश करने में कितने डेज लेगा, वाई डेज। ओके तो ये तो डेज हुए कि एक वन वर्क कितने डेज में फिनिश होगा, तो वन डे में कितना वर्क होगा, वन अपॉन एक्स पार्ट पर वर्क। ओके और मैन के द्वारा वन अपॉन वाई पार्ट पर डे। ओके यानी वन डे के अंदर वन अपॉन एक्स पार्ट वर्क करेंगे और जो मैन है वो क्या करेंगे, वन अपॉन वाई पार्ट पर वर्क का। ओके चलिए अब कंडीशन के हिसाब से हमें क्या कहा गया है, देखिए टू वुमेन एंड फाइव, टू वुमेन एंड फाइव मैन फिनिश वर्क इन 4 days, कितने डेज में फिनिश कर रहे हैं, 4 days में फिनिश कर रहे हैं। ओके तो कितना होगा, 2 upon x plus 5 upon y। ओके अब ये कितना काम कर रहे हैं, 4 days में, तो 1 work कितने में होगा, 4 days हैं तो 1 upon 4 हो जाएगा बेटा, तो 2 upon x plus 5 upon y = 1 upon 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ओके चलिए अब सेकंड जो कंडीशन है वो हम देखते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें क्या लिखा हुआ है, थ्री वुमेन एंड सिक्स मैन फिनिश वर्क इन हाउ मेनी डेज, 3 days, 3 days के अंदर फिनिश करते हैं, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, 3 upon x plus 5 upon 6 upon y, तो कितने डेज में, 3 days में, यानी 1 upon 3 पर डे हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 upon x plus 6 upon y = 1 upon 3 वर्क्स हो गया। ओके ये हमारा क्या हो गया बेटा, इक्वेशन नंबर 2। सपोज लेट 1 upon x = a एंड 1 upon y = b। ओके चलिए अब कितना हो गया, 2a plus 5b = 1 upon 4। ओके तो इसे हम किस तरह से करेंगे, 8a plus 20b = 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया बेटा, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके चलिए उसके बाद में इस पर आते हैं, 3a plus 6b = 1 upon 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 9a plus 18b = 1, इक्वेशन नंबर 4। ओके तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पर 9 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई और इसमें 8 का मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे 1 multiply by 9 and equation 2 multiply by 8। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें कितना आ जाएगा, 72 plus 180 = 9, 72a plus 180b = 9। ओके चलिए अब हम सेकंड में देखते हैं, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, तो 72a plus 144b = 8। चलिए अब इसको हम माइनस करते हैं, माइनस 180 में से 44 माइनस करो कितना आएगा बेटा, 36b = 1,
सो बी इज इक्वल्स टू 1/36। ओके चलिए, बी की वैल्यू 136 आ गई, सॉरी 1/36 आ गई। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू समी इक्वेशन 4 में हम पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे। चलिए इक्वेशन 4 क्या है हमारा, 9a+18b इज इक्वल्स टू 9a+18b, बी की जगह पे हम 36 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। सो 9a+1/2 इज इक्वल्स टू 1, तो 9a इज इक्वल्स टू 1 - 1/2, तो 9a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 × 9, तो a की वैल्यू होगी 1/18। ओके चलिए 1/18 हुआ, a इज इक्वल्स टू 1/x था और ये है 1/18, सो x की वैल्यू कितनी हुई 1/18। ओके फिर b इज इक्वल्स टू 1/y इज इक्वल्स टू 1/36, तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 36। ओके तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन वुमेन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज एंड वन मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज।